हाँ हेलो कोई इसमें नया नहीं ना है? नया ठीक। देखो लास्ट क्लास में हम लोग साइन थेटा बोलिए कॉस एंड टेन की वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री क्या 90 डिग्री फिर आगे भी गए थे तो कितना 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री एंड 180 डिग्री के लिए हमने देखा था। साइन के लिए हमने देखा था कि ये होता है 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 एंड कितना। कॉस के लिए पलट लिए थे हम इसको तो उधर से पढ़ते हुए आइए तो 1 होगा रूट 3 बाई 2 होगा 1 बाई रूट 2 होगा 1 बाई 2 होगा और कितना होगा 0। और उसके बाद 10 के लिए हम डिवाइड किया करते थे बोलो ना तो 0 अपन 1 जो होगा वो तो 0 ही ना होगा तो डिवाइड करके हम थोड़े देखेंगे ये भी हमको याद होना चाहिए। बोलिए कहाँ से शुरू होता है 0 से और ये वाला होता है 1 बाई रूट 3 फिर आता है ऊपर वाला फिर आता है नीचे वाला और ये हो जाएगा इनफाइनाइट ना ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक्चुअली हम लोग पीछे आएंगे। इसका मतलब हुआ कि अगले स्टेप पर जाने के लिए हमको पिछला स्टेप देखना होगा। तो बताओ ये कितना है रूट 3/2 तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 3/2 और पीछे जाइए कितना 1/√2 और पीछे जाइए 1/2 फिर कितना 0। चलिए पीछे चलिए 1/2 1/√2 √3/2 और कितना 1 इसमें पीछे जाओ तो √3 होगा 1 होगा 1/√3 होगा और फिर कितना होगा 0। मैंने कहा था कि साइन को छोड़ देना साइन को छोड़ देना लेकिन कॉस और टेन में जब 90 से आगे बढ़ना तो सामने में लगाना क्या माइनस लगा देना ठीक है। तो ये सब माइनस साइन के साथ आएगा है कि नहीं। जीरो के सामने माइनस लगाने की जरूरत नहीं है माइनस जीरो नाम का कुछ भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो लिस्ट बना लिया हम लोगों ने बोलो ना। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मान लो कभी ऐसे चलते फिरते किसी ने तुमसे पूछा कि बताओ कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बोलो ना तो क्या आप बैठ कर लिस्ट बनाओगे फायदा ही नहीं है। तो इसका ट्रिक बताया था मैंने बताओ वो ट्रिक क्या था। हम इसको 180 में से माइनस कर लेंगे तो 180 में से इसको माइनस करोगे कितना मिलेगा 60 मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि कॉस 120 का आंसर वही होगा जो कॉस 60 का होता है और कॉस 60 कितना होता है एक मिनट कॉस 60 वही होता है जो साइन 30 होता है यानी कि 1/2 लेकिन कॉस है तो माइनस में रहेगा बोलो। और तुमको याद होगा इसका तो यूज भी हम लोगों ने किया है पता है कहाँ किया है याद करिए ये ए हुआ करता था ये भी ए हुआ करता था तो जो रिजल्टेंट आता था 120 डिग्री पे जा उसमें हम लोग क्या करते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टू ए और कॉस 120 डिग्री लिखे थे और याद है इस कॉस 120 की जगह पे हमने -1/2 लिया था -1/2 लिए थे तब ना ये 2 से 2 कट गया था और ये माइनस ए स्क्वायर हुआ था तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया था आंसर आया था अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब कितना सिर्फ है यानी कि रिजल्टेंट भी कितना होगा ए होगा ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग साइन ले लेते हैं साइन 135 डिग्री बताओ क्या करोगे तुम देख के बता रहे हो सर हम तो बता ही नहीं रहे ना बोलो कितना होगा। तो पहले 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा तो साइन 135 का आंसर वही होगा जो साइन 45 का होता है यानी कितना 1/√2 और चूंकि साइन है तो ये प्लस माइनस में आएगा साइन है तो ये प्लस में ही रहेगा ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख लेंगे चलो तो लगे हाँ तो टेन वाला भी देख ही लेते हैं टेन 150 डिग्री बताइए तो टेन 150 का आंसर वही होगा जो टेन 30 का होता है इसको हम 180 में से माइनस करेंगे इसका मतलब हो जाएगा ये माइनस। अच्छा माइनस क्यों बता रहे हो क्योंकि 10 है 10 और कॉस नेगेटिव होता है और इसका आंसर होगा 10/30 वाला 10/30 का मतलब हो जाएगा 1/√3 तो देख लीजिए ना 10/150 जो है -1/√3 ही ना है। चलिए ठीक है ये तो हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम बात करेंगे दो फेमस ट्रायंगल्स की जिसमें एक है अच्छा ये कोई मामूली ट्रायंगल्स थोड़े हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं एक है 3 4 5 वाला तो बाबू एक है 5 12 and 13 वाला यकीन ना हो तो तुम अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है और 5 का स्क्वायर
ये आपका अंडर रूट 169 आएगा जो कि कितना होता है 13 होता है, ठीक है। तो ये वाला तो हम लोगों ने खैर वेक्टर पढ़ते समय ही देख लिया था कि 3 के सामने वाला एंगल कितना होता है 37 और 4 के सामने वाला 53 होता है। बोलो इसमें ये एंगल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रख सकते हो कि ये 5 होता है, ये 12 होता है, तो ये कितना होता है, हाँ थोड़ा समय बच सकता है आपका, है ना। अदरवाइज ये एंगल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंगल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ वैल्यूज देखेंगे, तो जल्दी जल्दी ट्रायंगल देखिए और आप ही बताइए मैं लिखूंगा इधर, इसका बताओ, सोच के बताओ क्या लिखा जाए। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब 37 है तो हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, तो बताइए 37 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 3 होगा और हाइपोटेनस कौन होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बताइए कौन सा ट्रायंगल देखोगे, वो वाला देखोगे। तो कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। आप बताइए 67 के लिए बेस कौन है, बेस कौन है, बेस ये 12 है क्या, नहीं नहीं बेस तो ये है, हाँ छोटा वाला जो साइड सटा हुआ होता है वो ना बेस होता है। 67 के लिए ये क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना 13। कॉट जो होता है ना वो 10 का उल्टा होता है, बोलो तो 10 होता है पी बाई बी, तो कॉट होगा बी बाई पी यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो बताइए 23 के लिए बेस कौन होगा, तो 12 हो जाएगा और हाइपोटेनस कौन होगा 13 हो जाएगा, 12 बाई 13। अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ हाँ सही सही एकदम। हमको करना क्या था, बेस बाई परपेंडिकुलर ना करना था, तो परपेंडिकुलर 23 के लिए कौन होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ 10 53 किस में देखोगे, तो ऑब्वियसली हम इसमें देखेंगे। तो 53 के लिए 10 का मतलब तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो 4 हो जाएगा और बेस कौन होगा 4 बाई 3 हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से। ये बता दो कितना होगा, तुम जो बोल दोगे मैं लिख दूंगा, हैं सोच के बोल रहे हो, चलो मैं चेक भी नहीं करूंगा, मैंने लिखा 5 बाई 3, किसी को डाउट नहीं ना है कि 5 बाई 3 कहाँ से आ रहा है, ठीक आगे बढ़ते हैं। चलिए रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन क्या 90 डिग्री, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, वो है वाई एक्सिस। अरे बोलो, मान लो कोई लाइन जो है यहाँ है तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, तो उसका बोला जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। वो लाइन अगर मान लो घूम के, कल इसका यूएसबी ही तोड़ दिया है सब, अगर मान लो लाइन घूम के यहाँ पहुंचता है तो बताओ यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जल्दी बोलो 90 डिग्री। चलिए लाइन पहुंचा यहाँ पे तो बताइए कितना, तो ये वाला एंगल होगा आपका 180 डिग्री। लाइन वहां पहुंचा, लाइन वहां पहुंचा का मतलब मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, लाइन जब यहाँ पहुंचा 90 180, यहाँ पहुंचा तो कितना, तो 270 होगा, मतलब आप 90 ऐड करते जा रहे हैं। बताइए लाइन वहां पहुंचा तो कितना 360 डिग्री, एक चक्कर का मतलब कितना हुआ 360 डिग्री। चलिए लाइन रुका नहीं और लाइन और आगे बढ़ा तो कितना, एक बार फिर से हम 90 डिग्री बोलेंगे क्या, मैंने मेरे कहने का मतलब एक चक्कर लगाने के बाद अगर लाइन आगे बढ़ता है तो क्या इसको हम फिर से 90 बोलेंगे, नहीं, एक चक्कर को हम ऐसे बर्बाद थोड़े कर देंगे। एक चक्कर लगाने के बाद अगर 90 आगे बढ़ा है ना, तो हम इसे 360 में 90 ऐड करेंगे का मतलब कितना 450 होगा। फिर चलिए लाइन वहां पहुंचा, फिर 90 ऐड करिए कितना, हाँ नहीं डेढ़ चक्कर आप इसको बोल सकते हैं, 1.5 चक्कर हो गया ये, तो 540 डिग्री होगा। लाइन वहां पहुंचा तो कितना, फिर 90 ऐड करिए 630 हो जाएगा, 2 चक्कर लग गया, कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। बोलो एक चीज और हमने पढ़ा है कि जब कोई भी लाइन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा ना, तो उस मेजरमेंट को हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करते हैं, इसीलिए हमने इसको +90 +180 +270 +360 कहा। लेकिन अगर लाइन बाबू क्लॉक वाइज रोटेट करने लगे, तो क्लॉक वाइज रोटेट करने ऐसे रोटेट करे, तो इसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ मेजर करते हैं और ये वाला एंगल कितना होगा -90 डिग्री होगा। बोलो यही लाइन जब आगे बढ़ के यहां पहुंचता है तो बताओ ये कितना होगा -180। अरे एंगल तो ये 180 ही ना है, लेकिन हम इसके सामने माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज मेजरमेंट एंगल का हम नेगेटिव लेते हैं। चलिए लाइन पहुंचा वहां पे तो माइनस
270, और क्लॉकवाइज घूमता हुआ अगर लाइन ने एक चक्कर लगा लिया तो इसको क्या बोलोगे? माइनस 360 बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, चाहे कोसेक हो, सारे के सारे छह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यहां से लेके यहां तक। अब यहां से लेकर यहां तक का क्या मतलब हुआ? जीरो से लेके, या यूं कहें कि जीरो और 90 के बीच में, क्या जीरो और 90 के बीच में बोलिए, चाहे 360 एंड 450 के बीच में बोलिए, अरे बोलिए, रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इसमें पॉजिटिव होते हैं। इसमें पॉजिटिव होता है साइन, और साइन का उल्टा कौन? कॉस सेक। बाकी चारों इसमें नेगेटिव होंगे, ठीक है। चलिए, इसमें क्या पॉजिटिव होगा? तो साइन के बाद ऐसा मन में आ रहा है कि कॉस होना चाहिए, लेकिन यहां पे हाँ, मन का मत मानिएगा, यहां पे आता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। अच्छा, इसमें आएंगे तो जो बच गया वो पॉजिटिव रहेगा, बोलो। तो कॉस और कौन? सेक। कॉस और सेक। अच्छा, ये मैं क्या बता रहा हूं, मैं आगे क्लियर करूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि यहाँ पे साइन और कॉसेक जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। बाकी चारों कैसा? नेगेटिव रहेगा इस वाले क्वाड्रेंट में। इस वाले क्वाड्रेंट का मतलब आप या तो इसको 180 से 270 बोलिए, ना तो 540 से 630 बोलिए। टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी चारों बोलो नेगेटिव होगा। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव होगा, ऐसा कहानी है। चलिए अब सुनिए, एक ट्रिक समझ सकते हैं आप इसको, चीजों को समझने का, कि अगर इस लाइन को, इस पेन को मैंने ऐसे रखा और इसको मैंने छोड़ा, तो क्या ऐसा ही रहेगा? क्या क्या होगा? गिर जाएगा। गिर जाने का मतलब है कि ये अपना स्टेट चेंज कर ले रहा है, बोलिए ना। ये वर्टिकल से कैसा हो जा रहा है? हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। तो एक हम लोग कोड याद रखेंगे कि अगर कोई चीज वर्टिकल है ना, तो उसमें चेंज हो जाएगा, वर्टिकल पे चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इस पेन को मैंने हॉरिजॉन्टल रखा, तो मैंने जैसे रखा वैसे ही रह गया, तो नो चेंज। वर्टिकल पे चेंज एंड हॉरिजॉन्टल पे नो चेंज, ये चीज याद रखिएगा। पहला चीज हमने क्या देखा? कि किसमें कौन पॉजिटिव होता है। दूसरा देखा कि वर्टिकल पे चेंज, हॉरिजॉन्टल पे नो चेंज। अब सवाल है कि वो क्या है जो चेंज करेगा चाहे नहीं चेंज करेगा ना। तो बाबू वो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो याद रखिएगा कि साइन जो बदलता है वो किस में बदलता है? कॉस में। साइन को अगर चेंज होना होगा तो वो किस में चेंज होगा? कॉस में। और कॉस को चेंज होना होगा तो साइन में, ठीक है। टेन को अगर चेंज होना होगा तो कॉट में, और कॉट को चेंज होना होगा तो टेन में, और जो बच गया वो आपस में चेंज होगा। तो बताइए सेक चेंज होगा किस में? कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। क्लियर? बोलो एक बार फिर से बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सब। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, याद तो हम लोग साइन ही रखते हैं, कॉसेक तो उसका उल्टा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बोलिए टेन और कॉट, नहीं देख के नहीं बोलना है ना, ऐसे बोलना है हाँ। और लास्ट वाले में कॉस और सेक। अच्छा बताओ, वर्टिकल पे? वर्टिकल पे चेंज, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे नो चेंज, ठीक है। अच्छा, साइन को बदलना होगा तो किस में बदलेगा? और कॉस को? साइन में। टेन को बदलना होगा तो कॉट में, कॉट को टेन में। सेक को बदलना होगा तो कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में। चलिए ठीक है, अब इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग इनकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। इसमें से कोई एक मैं बताऊंगा, चाहे चलो मैं दो बता देता हूँ, पहला तो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। और कोई एक और भी आप जो बोलिएगा वो मैं बता दूंगा, बाकी सब आपको करना है। तो ध्यान से सुनिए, हमको पता करना है कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है ना। तो सबसे पहले तुम देखना कि ये वाली चीज किस क्वाड्रेंट में है। तो तुम बताओ ना, 90 में से कुछ घटा रहे हो का मतलब 90 से कम, 90 से कम कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में? तो सब पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव में आएगा। अब उसके बाद हम इसको देखेंगे। अब आप बताइए कि 90 डिग्री कौन से लाइन पे आता था, थोड़ा देख के बताइए। तो 90 डिग्री कहाँ आता था? तो 90 डिग्री यहाँ ना आता था, वर्टिकल लाइन पे ना रहा है। ए, बोलो ना, तो क्या सीखा है तुमने? वर्टिकल अगर रहेगा तो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा?
वर्टिकल रहेगा तो चेंज हो जाएगा और कॉस चेंज होके बदल जाएगा साइन में, और यहां जो भी एंगल लिखा रहे बस वो एंगल लिख, ये मत देखिएगा प्लस है कि माइनस है, जो एंगल लिखा रहे आप वहां पे लिख दीजिएगा। हाथी लिखा रहे तो आप यहाँ पे हाथी लिख दीजिएगा, थीटा लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कितना होता है साइन थीटा। चलिए एक और मैं बताता हूँ, लो ही टेन वाला बताता हूँ मैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे, तो 180 से कम करना है, 180 में से कुछ घटाना है, तो 180 से कम का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 में कुछ जोड़ते तो कहां पहुंच जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस सॉरी साइन और कॉसेक ना पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन होता है नेगेटिव का मतलब आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा। अब आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये कौन से लाइन पे आ रहा है, कहां आता है, इस पे आता है, इस पे तो 90 और 270 ना आता है, यहां जीरो आता है और यहां पे 180 आता है, तो बाबू ये 180 हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है और हॉरिजॉन्टल पे चेंज, देखो हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं हो रहा है का मतलब हुआ टेन जो है टेन ही रहेगा और यहां जो भी एंगल होगा हम उसको छाप देंगे, यानी कि टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, क्लियर। चलो बाकी सब तुम बताओ जल्दी। आ गया लो, किताब में नहीं है क्या आपके, हो गया। अच्छा ये लास्ट का तीन जो है ये भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम यहां तक तो जरूर करो, ये अगर हो जाए तो ठीक है, बाकी ज्यादा लोड मत लेगा लास्ट के तीन वालों के लिए। हो गया, कोई है जो अभी कर रहा है, यहां तक ही करो ना, छठे नंबर तक करो, ठीक है आप देखते हैं। हाँ चलो बताओ, तुम ही बताओ इसका क्या आंसर आया है, साइन थीटा है इसका आंसर आया है, कितना साइन थीटा, क्या ख्याल है आप लोगों का, अच्छा गलत है क्या, तुम बोलो क्या होगा इसका, क्या होगा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा सही है क्या, कॉस थीटा बता रहा है, अच्छा ठीक है हम लोग चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले आप बताइए कि क्वाड्रेंट कौन सा है,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. जो भी आंसर आएगा प्लस में रहेगा. प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लिख दीजिएगा, गलत भी नहीं है. उसके बाद आप बताइए कि 90 डिग्री कौन से लाइन पे आता है? 90 यहां ना आता है, तो वर्टिकल पे चेंज होगा कि नहीं? तो चेंज होगा, तो क्या साइन साइन ही रहेगा? किस में बदलेगा? कॉस में बदलेगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और फिर जो यहाँ है उसको हम लोग छाप देंगे. चलिए तब ये बताइए. हाँ तुम बोलो. हाँ अच्छा, इसका कॉट ही थीटा है क्या? इसका आंसर कॉट थीटा ही होगा. ठीक है बेटा, क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 में कुछ जोड़ रहे हो, जाहिर सी बात है यहाँ पे यही पे ना 180 होता है, तो कुछ जोड़ोगे तो आगे बढ़ोगे का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हो. तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? अरे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही ना पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, एकदम सही है. और 180 पे चेंज नहीं होता है. 0 और 180 हॉरिजॉन्टल पे आता है, इस पे चेंज नहीं होगा का मतलब हुआ कॉट कॉट ही रहेगा. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ठीक है आगे बढ़ते हैं. इसका कौन बताएगा? तुम बताओ. हाँ इन्होंने कहा माइनस एक थीटा, सही है क्या? सही है. ये क्या बात है, बैठो बैठो. सबसे पहले बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ. अरे 270 में कुछ जोड़ के तो इधर ना पहुंचोगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक. लेकिन ये है कॉसेक, ये तो नेगेटिव होगा. कॉसेक या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. तो आंसर नेगेटिव में आएगा, आपका बिल्कुल सही है. और 270 तो बाबू यहां आता है, नहीं आता है. और इस पे चेंज हो जाएगा. चेंज हो जाएगा का मतलब हुआ कि कॉसेक बदल के सेक हो जाएगा, ये भी सही है. चलो तुम बताओ इसके बाद वाला. ये सिर्फ सेक थीटा होगा. ठीक है बैठो. हाँ ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? 360 में भी कुछ जोड़ रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ना पहुंचोगे. अब बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो देखने की भी जरूरत नहीं है कि कौन है इधर ना, आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा. लेकिन 360 आता तो जीरो के साथ ही ना है, बोलो ना. इसका मतलब हुआ कि चेंज नहीं होगा, सेक सेक ही रहेगा, यानी ये भी सही था. हाँ ये किसी से हुआ है क्या? अच्छा अच्छा कितने लोगों से हुआ है? हाँ ठीक है वेरी गुड. तुम बताओ तो तुम. अच्छा तुम ही बता दी. इसका आंसर माइनस साइन थीटा होगा, कोई बात नहीं है. हाँ कैसे की इसको, मतलब इसको सॉल्व की होगी ना? अगर पहले से याद था, मैथ से हो कि बायो से? बायो से हो के इतना बड़ा रिस्क ले रही हो तुम, हैं? मतलब कैसे माइनस साइन थीटा कैसे आएगा? ठीक है कोई बात नहीं है, देखते हैं. देखिए बाकी सब में और इसमें एक अंतर है कि बाकी सब में यहां पर आपको एंगल दिख रहा था. बोलो 360 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा. यहां पे ना ये वाला एंगल मिसिंग है. अरे तो जब मैंने कहने का मतलब है कि यहां थीटा के सामने 360 है, यहां थीटा के सामने क्या है? वन. तो यहां थीटा के सामने कुछ नहीं का मतलब क्या? आर्यभट्ट ने कहा है कि कुछ नहीं का मतलब जीरो होता है, तो क्या हम इसको जीरो माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं? तो जीरो भी तो एक एंगल ही ना है. हाँ अब हम इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी सबको सॉल्व किया था. सबसे पहले ढूंढेंगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है. तो जीरो में से कुछ घटा रहे हो का मतलब इट विल बी समथिंग लाइक माइनस 30 डिग्री. बोलिए तो माइनस 30 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? बाबू रे इधर घूमोगे तो प्लस 30 डिग्री होता है, इधर घूमोगे तो ये माइनस 30 डिग्री होता है. यानी क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ. और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, हम इसको ना सॉल्व कर रहे हैं. अरे इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है. इसका मतलब जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा. क्लियर है? अब तुम बताओ जीरो कहाँ आता है? यहाँ आता है. और जीरो पे चेंज नहीं होता है, तो नहीं होगा चेंज का मतलब साइन साइन ही रहेगा. और जो यहां लिखा रहेगा हम उसको ऐसे ही छाप देंगे. इसका आंसर माइनस साइन थीटा एकदम सही था. लेकिन जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसके लिए आप लिखिएगा कॉस जीरो माइनस थीटा, और है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही ना. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा प्लस में. पिछले वाले का आया था कैसा? माइनस में, क्योंकि साइन नेगेटिव होता है. लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव. और जीरो पे बदलाव नहीं होगा. बदलाव नहीं होगा का मतलब हुआ कि कॉस कॉस ही रहेगा, और हम यहां लिख देंगे थीटा प्लस कॉस थीटा. ठीक है चलिए टेन के बारे में बताइए. है तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही,
लेकिन tan भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा का मतलब हुआ कि माइनस, और जीरो पे बदलाव नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस वाले लाइन पर आ रहा है, इसका मतलब tan आपका tan ही रहेगा। तो मैंने कहा था आपसे पहली बार भी जब मैंने मैथमेटिकल टूल्स 11th में पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि इस रिजल्ट को याद रखना, और कहीं कहीं इसका यूज पड़ता है, और बिल्कुल 11th क्लास में कहीं कहीं पढ़ा भी होगा। हाँ बोल दो। हाँ तो बता, साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि माइनस साइन बाहर आ जाता है। क्या बताइए, कॉस माइनस थीटा कितना होता है? बोलो, कॉस माइनस थीटा कितना होता है? ये होता है कॉस थीटा। कुछ चल रहा है क्या उधर? जनरेटर। कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। और बताइए टेन माइनस थीटा कितना होगा? हाँ, मैंने कंक्लूजन ये है कि साइन वाला और टेन वाला जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, कॉस वाला माइनस वो खा जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा अब सिर्फ कॉस थीटा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको दोबारा समझना है क्या? कितने लोग का सारा सही था? अच्छा, मतलब बाकी जिन लोगों का कुछ गलत था उनको समझ में आया ना कि क्या गलत था, कि दोबारा समझना है? कोई ऐसा जो ना समझ में आया हो? ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, अब हम बात करेंगे, अगर हमको मान लीजिए साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, अब बोलो, तो इसका तो हमको ट्रिक पता है। ट्रिक ये है कि हम इसको घटाएंगे किस में से? 180 में से। तो साइन 120 का आंसर वही होगा जो साइन, हाँ 120 को ये 180 में से घटाएगा तो 16 आएगा, साइन 60। और साइन 60 कितना होता है? मच्छर काट रहा है ना, काट भी रहा है खाली उड़ रहा है। अच्छा अच्छा साइन 120 का आंसर वही होगा जो साइन 60 का होता है, जो कि होता है √3/2। लेकिन सवाल है कि इसको अभी हमको सॉल्व करना है, बोलो, क्योंकि तुम देखोगे कि आगे लिस्ट में 210 डिग्री भी है कि नहीं, ये सब -300 भी है। तो हम लोगों ने वो जो ट्रिक देखा था वो सिर्फ 180 तक के लिए ना था, तो हमको एक प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए इन सारे प्रॉब्लम्स का, कि हमको एंगल कुछ भी दिया जाए हम उससे निकाल सकें। तो लिखते हैं पहला, साइन कितना? 120। अब सॉल्व करने का तरीका देखो, 120 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। बताओ सेकंड क्वाड्रेंट किससे किससे घिरा होता है? तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, होता है 90 और 180 के बीच में। हम कोशिश करेंगे कि हम या तो इसको 90 में तोड़े, नहीं तो हम इसको 180 में तोड़े ना। तो तू रोहित बताएगा कि इसको 90 में कैसे तोड़ा जाए, 120 को 90 में हमको तोड़ना है, मैंने कुछ ऐसा तोड़ के लिखना कि ये को 90 होना चाहिए उसमें। 90 प्लस 90 प्लस 30 करोगे 120 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, बताइए, साइन बैठ जाओ 90 प्लस 30। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना? अरे ये तो बिल्कुल ऐसा ही बन चुका है जैसा हम लोग इधर सॉल्व कर रहे थे। हाँ, तो तुम बताओ 90 प्लस 30 डिग्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखोगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? बोलो, पॉजिटिव होता है। बहुत बढ़िया, तो आंसर प्लस में ही रहेगा। अब तुम बताओ 90 है तो चेंज होगा कि नहीं? 90 कहाँ आता है? यहाँ आता है। चेंज होगा कि नहीं? होगा। और 90 पे चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। और यहाँ क्या है, अगर थीटा होता तो थीटा लिखते हैं, हाथी होता तो हाथी लिखते हैं, 30 है तो क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 ना, कॉस 30 वही ना होता है जो साइन 60 होता है, √3/2। अब मान लो कोई कहता है कि ना सर हम इसको 90 में नहीं तोड़ना चाहते हैं, हम तो इसको तोड़ेंगे 180 में ना, तो तुम बताओ 180 में तोड़ोगे कैसे तोड़ोगे? हाँ हाँ, अच्छा चलो तुम ही बता दो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सही जा रहे हो, 180 माइनस 60 करेंगे 120 मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस क्या, 60। आप बताइए क्या ये भी 120 नहीं है? अरे भले तोड़ के लिखा है लेकिन है तो 120 ही ना, अब बोलो ना। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेंट कौन सा? सवाल ही नहीं है, क्वाड्रेंट वही सेकंड ही रहेगा, तोड़ने से फर्क थोड़े पड़ेगा। क्वाड्रेंट सेकंड है, उसमें साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है।
उसके बाद आप बताइए कि ये कौन से लाइन पे आएगा, 180 तो यहाँ आता है ना, हॉरिजॉन्टल पे आएगा तो साइन साइन ही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, और यहाँ 60 डिग्री, और सबको पता है साइन 60 कितना होता है। मैंने मिला जुला के हमने ये सीखा कि किस में तोड़ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है, मन करे तो 90 में तोड़ो, मन करे तो 180 में तोड़ो, बस सही तरीके से तोड़ लेना और प्रोसेस आना चाहिए। देखिए फिर दोबारा मन करे तो पूछिए। और एक मैं अभी आपको देता हूं ये वाला, कितना -√3/2, इधर आके बैठना का नहीं, दो सौ दस है तो पहले बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, तो आराम से पहले क्वाड्रेंट ढूंढ लो और उसके बाद कोशिश करो कि हम उसको कैसे तोड़े। बाप रे बाप, ऐसे तोड़ रहा है, कोस खा गया तुम है, मैंने क्या कर रहा है, 210 है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड किससे किससे घिरा होता है, थर्ड होता है 180 और 270 के बीच में, इसी को ना थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो या तो हम इसको 180 में तोड़ेंगे और ना तो हम इसको 270 में तोड़ेंगे। कॉस को तोड़ो, 180 में ही तोड़ो, तो क्या लिखोगे, कॉस कितना लिखोगे, 180, अब क्या करें, +30 करो यार, क्या कर रहा है तुम लोग, हो गया कितना रहा है, सही तो है, एक तुम अपने से बनाया ना है, 180 + 30 तो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, पहले इसको लिखना है ना, तो ऐसे लिखो, अच्छा तो हम लोग चेक करेंगे तो देखेंगे, हो गया कितना आ रहा है तुम्हारा, -1/2 कैसे आ गया, अच्छा तुम 180 है तो बदल दियो, 180 किधर आता है, 0 180 चेंज होगा, क्या करते हो, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा आज थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, कॉस 210 डिग्री, तो पहले तो बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट किससे किससे घिरा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये 180 और 270 के बीच में होता है, इसी के बीच न, में ना कहीं 210 डिग्री आएगा, तो या तो हम इसको तोड़ेंगे 180 में, ना तो तोड़ेंगे 270 में, तो बताओ किस में तोड़ा जाए, 180 में तोड़ना हमको ठीक लग रहा है, कोई बात नहीं है, हम इसको तोड़ते हैं 180 में, तो बताइए क्या ऐसा करे कि वापस से 210 आ जाए, तो 180 प्लस कितना, 30 करिए आप, बताइए कि क्वाड्रेंट अगर थर्ड है तो उसमें कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो आंसर तो इतना तो कंफर्म है कि माइनस में रहेगा, लेकिन 180 पे चेंज होता है क्या, नहीं होगा, तो 180 पे अगर चेंज नहीं होगा तो कॉस ही रहेगा, और ये 30 डिग्री, बाबू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, जो कि साइन 60 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा -√3/2, ठीक है। चल तो बाकी दोनों जो है ना वो घर से तुम लोग करके लाना, कॉस 135 और टेन -300, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोबारा नहीं ना समझना है, चलो ठीक है। हाँ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, वो बुक देखिएगा वहां पे लिस्टेड हैं,
तो इनको हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ का इसमें कहीं कहीं यूज मिलता रहेगा, जिसमें सबसे पहला ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कौन सा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आप इस कॉस स्क्वायर ए को उधर लेके चले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 1। अरे कॉस स्क्वायर ए को उधर लेके जाओगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मन करे तो इस स्क्वायर को इधर ले जाके रूट बना दो, हालांकि थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, सामने में क्या आना चाहिए, प्लस माइनस, लेकिन खाली अगर अमाउंट की बात हो तो साइन ए निकालना है तो हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं। मैंने मिला जुला के याद हमको क्या रखना होता है, ये वाला रखना होता है। अरे बाकी सब तो अपने से ना हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक उसी तरीके से अगर हम साइन स्क्वायर ए को उधर लेके चले जाए तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर स्क्वायर को आप ले जाकर उधर रूट बना सकते हैं, तो ये हो गया। अगला वाला ये भी आपको 10th क्लास में मिला होगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना, 1 होता है। अगर हम इस tan स्क्वायर ए को उधर लेके चले जाएं तो sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए ना। एक डेरिवेशन में, इवन एनसीईआरटी में वो डेरिवेशन है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा बिना गॉस लॉ के यूज के, तो ये वाला यूज होगा। वहां पे हमको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप बताइए sec का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन होता है। अच्छा एक चीज मैंने बताया नहीं था आपको, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। अरे यार हाँ सुनो, ये जो हम लोगों ने देखा था ना कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, तो इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोला जाता है। अरे बोलो, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, टेन और कॉट एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो मैं कह रहा था कि हमको ये याद करने के लिए ना अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, तो ये देखिए यहाँ पे कॉसेक लिखा हुआ है और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है।